हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सब के एक नए वीडियो में, जिसमें आज मैं बिहार के विभिन्न एग्रीकल्चर कॉलेजों में मौजूद सीटों की संख्या के बारे में आपको बताने वाला हूं। आप सभी को पता होगा कि आप बिहार के एग्रीकल्चर कॉलेजों में BCECE परीक्षा के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। इस परीक्षा को हर साल BCECEB यानी कि बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड करवाती है। एग्रीकल्चर कोर्स में बिहार के विभिन्न कॉलेजों में मौजूद सीटों की संख्या कितनी है, यह प्रश्न हमसे आपने कई बार पूछा। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल एग्जाम सब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड हर जानकारी सटीकता के साथ। वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिहार के तकरीबन सभी एग्रीकल्चर कॉलेजों में मौजूद सीटों में से कुल 15% सीटें NTA द्वारा करवाई जाने वाली ICAR AIEEA परीक्षा के जरिए भरी जाएगी। चलिए देखते हैं कि बिहार के विभिन्न एग्रीकल्चर कॉलेजों में कुल कितनी सीटें हैं। बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर में कुल 62 सीटें हैं, जिसमें से 15% सीट यानी कि 9 सीट ICAR AIEEA परीक्षा के जरिए भरी जाएगी, जो कि इस साल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाने वाली है। बाकी की बची सीटें BCECE परीक्षा के जरिए भरी जाएगी। इन सीटों में से अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लिए 8 सीट, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी के लिए 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC कैटेगरी के लिए 9 सीट, पिछड़ा वर्ग यानी कि BC कैटेगरी के लिए 6 सीट, पिछड़ा वर्ग की महिला यानी कि गर्ल्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट, मिलिट्री वार्ड के लिए 2 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 5 सीटें रिजर्व्ड हैं। मंडल भारती कृषि महाविद्यालय सहरसा में कुल 60 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 9 सीट ICAR AIEEA परीक्षा के जरिए भरी जाएगी। अनुसूचित जाति की बात करें तो उनके लिए 8 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 सीटें रिजर्व्ड हैं। BKS कृषि महाविद्यालय डुमरांव बक्सर में भी 60 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 9 सीट ICAR AIEEA परीक्षा के जरिए भरी जाएंगी। बाकी बची सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 8 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 सीटें रिजर्व्ड हैं। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में 60 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 15% सीट यानी कि 9 सीट ICAR AIEEA परीक्षा के अंतर्गत भरी जाएंगी। बाकी बची सीटों में से SC कैटेगरी के लिए 8 सीट, ST कैटेगरी के लिए 1 सीट, EBC कैटेगरी के लिए 9 सीट, BC कैटेगरी के लिए 6 सीट, गर्ल्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 सीटें रिजर्व्ड हैं। डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय अडराबाड़ी किशनगंज में कुल 60 सीटें मौजूद है और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ICAR AIEEA परीक्षा के जरिए इस कॉलेज में कोई भी सीट नहीं भरी जाएगी, यानी कि इस कॉलेज की सारी सीटें BCECE परीक्षा के जरिए ही भरी जाएगी। इस कॉलेज की कुल 60 सीटों में से SC कैटेगरी के लिए 9 सीट, ST कैटेगरी के लिए 1 सीट, EBC कैटेगरी के लिए 10 सीट, BC कैटेगरी के लिए 8 सीट, गर्ल्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 6 सीट रिजर्व्ड हैं। बिहार के कृषि कॉलेजों में कितनी सीटें हैं, ये बात तो अब तक आप जान ही गए होंगे। चलिए बात करते हैं बिहार के उद्यान कॉलेज में मौजूद सीटों के बारे में। बिहार का एकमात्र उद्यान कॉलेज है नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय, जो कि नालंदा में स्थित है। इस कॉलेज में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट ICAR AIEEA परीक्षा के जरिए भरी जाएंगी। बाकी बची सीटों में से कुल 4 सीट SC कैटेगरी के लिए, EBC कैटेगरी के लिए 4 सीट, BC कैटेगरी के लिए 2 सीट, गर्ल्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। बिहार के एग्रीकल्चर कॉलेजों में मौजूद सीटों को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।